अगस्त का महीना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत में ही हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपके बैंक, आपके किचन, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करने वाली है। क्योंकि अगस्त शुरू होते ही जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, तो कुछ चीजें महंगी। इतना ही नहीं, ये महीना सस्ते फोन और जीएसटी पर और भी राहत मिलने का हो सकता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली है। टीवी महंगा होगा। टीवी बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो 32 इंच और उससे बड़े आकार वाली टीवी की कीमतें बढ़ा सकती हैं। हायर इंडिया ने बताया, टीवी पैनल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से उन्हें कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। होम अप्लायंसेस सस्ते होंगे। 21 जुलाई को जीएसटी परिषद ने 85 से ज्यादा उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव किया है, जो कि 27 जुलाई से लागू हो चुकी है। इसके चलते अगस्त में रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन समेत कई किचन के सामान सस्ते होंगे। जीएसटी पर मिल सकती है और भी राहत। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 4 अगस्त को होनी है। इस बैठक में आम आदमी को जीएसटी के मोर्चे पर और राहत मिल सकती है। सीमेंट और एसी समेत कई उत्पाद 28% से नीचे लाए जा सकते हैं। कर्ज लेना हो सकता है महंगा। केंद्रीय बैंक की तरफ से अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो आपके लिए बैंकों से कर्ज लेना महंगा होगा। कारें महंगी होंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बताया कि वो अगस्त से अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए या 2% दर से बढ़ोतरी कर सकती है। रुपए में जारी गिरावट की वजह से मारुति समेत अन्य कार कंपनियां भी लागत बढ़ाने की वजह से कीमतें बढ़ा सकती हैं। जेट एयरवेज की नई उड़ान। 1 अगस्त से जेट एयरवेज बेंगलुरु गुवाहाटी और हैदराबाद इंदौर के बीच नई फ्लाइट शुरू हो गई है। जियो फोन 2 की बिक्री शुरू। रिलायंस की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो फोन का अपग्रेडेड वर्जन जियो 2 लॉन्च हो गया है। क्वालिटी कीबोर्ड के साथ आने वाले स्मार्टफोन की बिक्री 15 अगस्त से शुरू होगी। इसलिए इस महीने इन चीजों पर आप खास ध्यान रखें, ताकि ना ही आपको कोई नुकसान हो और ना ही आपकी जेब पर इसका कोई असर पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।